हरे कृष्ण प्रभु जी, हम चैंटिंग में कंसिस्टेंसी कैसे लाए? मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चैंटिंग करते टाइम मुझे कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है और कभी फोकस ही नहीं होता, और मैं सोचती हूँ कब 16 राउंड कंप्लीट होंगे। हम चैंटिंग में टेस्ट कैसे इंक्रीज करें? तो वैसे ये क्वेश्चन तो पूछा है आपने, लेकिन ये समस्या हम सबकी है, ये हम सबके साथ होता है कि कभी कभी इतना अच्छा लगता है चैंटिंग करने में, मन करता है कि करते ही जाए, चैंटिंग खत्म ही ना हो, ऐसा लगता है। इवन स्टार्टिंग के दिनों में जब हम न्यू भक्त थे, एकदम क्यूटी पाई भक्त थे, नए भक्त, तब तो ऐसा लगता था कि चैंटिंग मतलब चैंटिंग करते थे तो आंसू निकलते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे स्टार्टिंग में। सबके साथ होता है ये, लेकिन फिर जब हम थोड़ा पुराना होते हैं, 3 महीने 4 महीने, तब चैंटिंग करते तो आंखों से आंसू नहीं आता, एकदम कुछ फील ही नहीं होता, और ऐसा लगता है कि चैंटिंग क्या कर रहा हूं मैं, चैंटिंग इतना सूखा चैंटिंग, एकदम सूखे पत्ते जैसा चैंटिंग है। लेकिन फिर से करते करते फिर से बीच में थोड़ा फिर से आनंद आ जाता है, फिर से वो आनंद चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहला कारण है कि जब हम नए भक्त थे तब हमको ना नया चीजें पता चलती थी चैंटिंग के बारे में, कि ये चैंटिंग क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कितने महान है, उनके भक्त के बारे में कि भक्त तो कृष्ण से भी महान है। तो ऐसे चीज हमें नया पता चलता था, तो जब हमको नया पता चलता था, तो जब हम चैंटिंग करते थे ना, तो वही चीज के बारे में हम सोचते थे, तो बहुत ज्यादा आनंद आता था, आंखों से अश्रू गिरते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे बीच बीच में चैंटिंग में। ऐसे सबके साथ हुआ होगा जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं, अगर जो लोग स्टार्टिंग में मन लगाकर करते हैं ना, ये सबके साथ हुआ होगा इवन। लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में जानना बंद कर देते हैं, ये हम सुनते नहीं है भगवान के बारे में, हम जानना ही बंद कर देते हैं, तब हमें लगता है अरे ये चीज तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है, ओ हरेर नाम एव केवलम, अरे ये तो पता है, ये तो मैं कब से कर रहा हूँ, ये तो मैं 3-4 साल से मैं कर ही रहा हूँ, मुझे तो पता ही है। तो इसलिए ना ये टेस्ट कम हो जाता है, तो इसलिए हमें हमेशा न्यू भक्त की तरह रहना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए हमें उत्साह रहना चाहिए कि अच्छा ये है चैंटिंग की महिमा, ये है। या फिर हम ना कभी कभी चैंट करते करते ना क्या कर सकते, भगवान के बारे में थोड़ा सा गाल सकते हैं, या फिर चैंटिंग उस ट्यून में कर सकते हैं जो ट्यून हमें पसंद हो, तब भी हमारी चैंटिंग अच्छी हो जाती है। और दूसरा जो कारण है, क्या होता है ना चैंटिंग में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम चैंटिंग हम असली में करते ही नहीं है, हम चैंटिंग को चलाते हैं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, और सामने हमारा दुख चलते रहता है, हरे कृष्णा, मेरे साथ ही ऐसा होना था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा बोल के राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण, यार आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं क्या करूं अपने लाइफ में, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, यार मुझे इस बार गुलाब जामुन एक कम मिल गया यार, हरे कृष्ण राम 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 राम, ये राम राम करते करते हमारा जो दिमाग में जो रैम है वो रैम खिंच जाता है, वो रैम जब खिंच जाता है तब राम नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या करते हम चैंटिंग को चलाते हैं ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक, और हम दुख या सुख के बारे में सोचते रहते हैं, अरे क्या मजेदार पार्टी था यार वो, राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण, अरे मस्त लग गया, क्या बढ़िया खाना बनाया था, राम राम राम, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो अगर दुख के बारे में सोचना है, मन को बोलना चाहिए, मन तुझे दुख में पड़ना है ना, ठीक है तू पड़ना, 5 मिनट बस मैं शांति से चैंटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा, तुझको को दुख में पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ बहुत पसंद है मेरे को दुख के बारे में सोचना, बहुत पसंद है, ठीक है 5 मिनट मेरे को बस चैंटिंग करने दे एकदम। इवन अगर हम 5 मिनट भी अटेंटिवली चैंटिंग कर लेते ना, दुख की औकात ही क्या है कि वो हमें भ्रमित करे, दुख सुख ये तो दूर भाग जाएगा अगर हम मन लगाकर 5 मिनट में चैंटिंग कर ले, लेकिन हम करते नहीं है असल में, क्यों? क्योंकि हम इन सब के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है ना, कि कृष्णा हमारे साथ कभी कभी खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, कृष्ण देखते हैं कि तू जब नया आया था तब मैंने तेरे साथ रेसिप्रोकेट किया, इसलिए तू भक्ति में टिक गया, तू चैंटिंग करता था मैं तुमको भाव देता था चैंटिंग के समय, तुम प्रार्थना करते थे मैं प्रार्थना सुनता था, तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होती थी, तो भगवान क्या करते थे ना, तो भगवान जब हम थोड़ा पुराना होते तब भगवान क्या करते, वो भाव ले लेते, भगवान भाव ले लेते, तो भगवान देखते कि जब मैं इसको भाव दे रहा था चैंटिंग के समय, जब मैं इसको आनंद दे रहा था चैंटिंग के समय, तब तो ये चैंटिंग कर रहा था, अब मैं इससे आनंद ले लिया, अब देखता हूं इसका प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है, क्योंकि जब आनंद नहीं है तब भी क्या ये मेरा नाम रखता है या तब ये मेरे को छोड़ देता है, ये भगवान करते हैं हमारे साथ। और जब हम तब भी नाम रखते रहते हैं ना भगवान के, तब भगवान बीच में फिर से थोड़ा सा हमें दे देते आनंद, फिर से बीच में बहुत अच्छा फील होता है, फिर से भगवान आनंद ले लेते, तब हम सोचते हैं कि 16 राउंड कब खत्म होंगे। ये असल में हमें ना 16 राउंड कब खत्म होंगे ये नहीं सोचना चाहिए, हमें चैंटिंग क्यों करना चाहिए, और हम चैंटिंग क्यों करते हैं पता है, हम असल में चैंटिंग करते हैं ताकि हमको आनंद मिले,
लेकिन हमें चैंटिंग खुद के आनंद के लिए नहीं करना चाहिए, हम चैंटिंग इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान को आनंद मिले, भगवान को खुशी हो, इसलिए करना चाहिए। लेकिन जब हम खुद के आनंद के लिए करते हैं तब वो काम वासना बन जाता है। मैंने एक फूल को देखा, मैंने फूल को तोड़ लिया, फूल को क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आनंद आया, ये हो गया काम वासना। लेकिन मैंने एक फूल को देखा, मैंने उस फूल में पानी दिया तो फूल को नरिशमेंट मिली, वो हो गया प्रेम। तो भगवान के साथ भी ऐसा, हमें काम में नहीं फंसना, हमें प्रेम में फंसना है कि हे प्रभु आप प्लीज मेरे चैंटिंग से कृपया खुश हो जाइए, ऐसे करके हमें चैंटिंग करना चाहिए। और एक बार प्रभुपाद जी से, और चैंटिंग में टेस्ट कैसे लाए, कंसिस्टेंसी कैसे लाए, कंसिस्टेंसी। एक बार प्रभुपाद जी के साथ क्या हुआ था, प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक डिसाइपल से पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर चैंटिंग एंड माय चैंटिंग। तो डिसाइपल ने कहा, आई डोंट नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू चैंट बिकॉज यू हैव टू, आई चैंट बिकॉज आई लव इट। तुम चैंट करते हो क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है ना, दीक्षा ली है गुरु से मैंने प्रतिज्ञा दी थी मैंने गुरु को कि मैं डेली 16 करूंगा और मैं चार नियम का पालन करूंगा। अब मैं क्या करूँ, अब मेरा जिंदगी करके ही निकल जाता है, मैं चैंटिंग तो कर ही नहीं पाता, मन करता है कि कब खत्म हो। तो ऐसे करके हमें चैंटिंग नहीं करना, हमें ये सोचना है कि कृष्ण को आनंद मिले, गुरु की कृपा मिले। लेकिन श्रीला प्रभुपाद क्यों चैंट करते थे, क्योंकि उन्हें पसंद था, वो ये सोचकर चैंट करते थे कि मैं चैंट करूंगा ना तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो हमें ये सोचकर चैंट करना चाहिए। और क्या होता है ना, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना तब तक हमको ना पता नहीं चलेगा क्या है चैंटिंग, कृष्ण कौन है, क्यों कर रहे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तू शाहरुख खान का नाम ले, शाहरुख खान का, तो आप ले रहे हो शाहरुख खान, लेकिन आपको पता ही नहीं शाहरुख खान है कौन, कोई ब्रांड है, कोई चीज है, कोई इंसान है, आपको पता ही नहीं, तो आपको नाम लेने में अच्छा लगेगा नहीं, आप बस मैकेनिकली नाम लोगे। मैकेनिकली कैसे, बचपन में हम लोग खेलते थे ना, चाबी घुमा देते थे एक खिलौने के पीछे और वो अपने आप बजते रहता था, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम, और हमको पता भी नहीं कितनी माला हुई है, जब हम देखते 2 घंटा तो हो गया है, शायद 16 माला हो गई होगी, रख देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना, तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए मैं आज 16 राउंड्स या आप जितने भी राउंड्स करो, 2 राउंड, 4 राउंड, 8 राउंड, 16 राउंड, 1 राउंड, मैं चैंट करूंगी, दैट्स इट। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करे।